जिला योजना समिति का निर्वाचन दुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग सभागार में हुआ संपन्न, जिसमें 20 सदस्यों वाली समिति में 16 सदस्यों के लिए मतदान किया गया। दुर्ग के पीडब्ल्यूडी विभाग सभागार में 20 सदस्यों वाली जिला योजना समिति का निर्वाचन संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी जागेश्वर कौशल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला योजना समिति के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होते हैं, वहीं सचिव, कलेक्टर व 2 सदस्य प्रभारी मंत्री नॉमिनेट करते हैं। बचे शेष 16 सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें दुर्ग जिला पंचायत से 6 सदस्य, दुर्ग नगर निगम से 2 सदस्य, भिलाई नगर निगम से 5 सदस्य, रिसाली निगम से 1 सदस्य, नगर निगम भिलाई चौदह से 1 सदस्य एवं नगर पालिका परिषद कुम्हारी से 1 सदस्य चुने गए। वहीं इस मतदान में 100% कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसी कड़ी में दुर्ग निगम में कांग्रेस से हेमलता साहू और कमल देवांगन को प्रत्याशी घोषित किया गया था, जबकि भाजपा की ओर से शेखर चंद्राकर और हेमा शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें दोनों ही कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष शालिंद्री रिवेंद्र यादव एवं उपाध्यक्ष अशोक साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का एक बार फिर जिला योजना समिति में 100% जीत हासिल किए जाने का श्रेय दिया। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे जिला योजना समिति के चुनाव में हम सब प्रत्याशी बन के यहाँ पे उतरे थे, और ये जीत एक विश्वास की है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय पीछे मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी के, मैं उस जो हमारे छत्तीसगढ़ को हमें आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। साथ ही साथ पूरा हमारे क्षेत्र के जनता जो हमारे कांग्रेस के भूपेश सरकार की योजनाओं से प्रसन्न हैं, और हमारी जीत हमारे पूरे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री सहित सभी को मैं समर्पित करता हूँ। आज हमारे जिला योजना समिति का निर्वाचन था, उसमें हमारे जिला पंचायत से 7 प्रत्याशी थे, जिसमें से 6 हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और 6 प्रत्याशी ने हमारी विजय हासिल की है। और ये हमारे लिए, हमारे ये आज से हम लोगों को एक और हमारे आने वाले विधानसभा के लिए हमारे लिए शुभ संकेत भी है कि आने वाला हमारा विधानसभा कांग्रेस में ही होगा। और अभी सब हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे सब खुश हैं, उसी के कारण पूरे जिले में हमारे कांग्रेस के ही पूरा समिति बना है। हम हमारे क्षेत्र के गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी, पीएचई मंत्री, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि उनके दुर्ग जिले में पूरे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। धन्यवाद। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।